न्यूज फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताजा समाचार। यमुना खादर की गौशाला में हुई त्रिलोकपुरी के युवक की शादी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दिल्ली के सभी धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बंद हैं। लड़का लड़की के परिवार वालों ने बताया कि सुनील की शादी काफी समय पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनकी शादी में आए दिन मुसीबतें ही आ रही थी। जब इसकी जानकारी केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला के संस्थापक लोकेश कुमार और सोनू पंडित को दी गई, तो उन्होंने इस शादी को अपनी धर्म संस्कृति गौशाला में ही संपन्न करवाने के लिए परिवारों से आग्रह किया, ताकि बीते कई माह से परेशानियों में घिरे परिवारों को कुछ राहत मिल सके। शादी के दौरान बहुत ही कम लोगों को शामिल किया गया और लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी बनाकर तमाम कार्यक्रम किए गए। हाँ, और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आगे शादी के लिए हमने अनिल नागर और सोनू पंडित जी से बात करके उनसे हमने गौशाला में आके शादी का अरेंजमेंट करवाया उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पंडित है और मैं केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला का संस्थापक हूँ। सोनू जी, देखा जा रहा है कि शादी आप करवा रहे हैं, आपने क्या वजह है आपने शादी करवाई? ये लड़का है सुनील गोयल, जो कि तिल्लोपुरी 36 ब्लॉक इंदिरा मार्केट में रवि बैंड पे ठेकेदारी का काम करता है, और इसकी शादी पहले से तय थी, एक साल पहले से डेट वगैरह सब चीज़ फिक्स थी, मगर इन्होंने बहुत कोशिश की, कोई बैंकेट हॉल या कोई भी मंदिर या कोई भी गुरुद्वारा ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे लोग शादी कर सके। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया गौशाला से कि ऐसे परेशानी आ रही है, तो मैंने 5-5 लोग इनके परिवार से बुलाकर यहाँ पे शादी कराने के लिए पंडित जी को बुलाया, क्योंकि पंडित जी ने भी अपने मंदिर में शादी कराने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सभी मंदिरों को लॉकडाउन किया हुआ है। जी, मेरा नाम लोकेश शर्मा है और आज हम अपनी केशव माधव धर्म संस्कृति गौशाला पे एक जोड़े की शादी करा रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने बहुत से बैंकेट हॉल और अन्य जगहों पर समुदाय भवन पर बहुत प्रयास किया और लॉकडाउन के चलते सभी बंद हैं, कहीं भी बुकिंग नहीं हो रही, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हमने तय किया कि इनकी हमने जो शादी है अपनी गौशाला पे करवाई, और सोशल डिस्टेंसिंग और कानून के दायरे में रहते हुए हमने ये एक प्रोग्राम संपन्न कराया। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।